नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनएकेडमी अभियान पर जहां पर हम एम पी पी एस सी प्रिलिम्स दो हज़ार बीस की तैयारी कर रहे हैं इससे पहले हम यूनिट टू ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों जिसमें हमने भारतीय इतिहास को पढ़ा था और अभी यूनिट टेन जिसमें आयोगों के बारे में बात की गई है हम उसको लगातार पढ़ रहे हैं अभी तक हम बहुत से आयोगों को कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम एक नए आयोग की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अभियान को आप जरूर ज्वाइन करें सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल अन अकेडमी अभियान के साथ जुड़ते हैं आप हमारी पी को एक्सेस कर पाएंगे और जितनी भी लिंक दी गई है उनको भी एक्सेस करना पाएंगे और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अभियान वाले टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज हमने पिन किया हुआ है उस मैसेज को आप ध्यान से पढ़िए तो वहां आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं मुख्य परीक्षा के लिए एम पर लाइव पढ़ा रहा हूं और एम पी के नए पैटर्न के लिए मेरे बहुत सारे जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर फोर इथिक्स पेपर फाइव हिंदी इंडियन पॉलिटी वर्ल्ड जोग्राफी जियोलॉजी वाटर मैनेजमेंट ये वो सारे विषय हैं जो मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिए गए हैं दोस्तों 2021 में इंडियन जोग्राफी ऐसे राइटिंग इंडियन इकोनॉमी, केस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी इन्वायरमेंट ये टॉपिक हम कवर करेंगे 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले याद रखें 16 अप्रैल से प्लस पर मेरी प्र, क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तब तक आप ये पुराने लेक्चर देख लीजिएगा इसके बाद 16 अप्रैल से हम दोबारा से प्लस पर अपनी क्लासेस शुरू करेंगे दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बाइलिंग्वल होती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जेन्यून इंग्लिश का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं ट्रांसलेटेड इंग्लिश नहीं होती है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर सारे पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक और बात बता दो कि ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मेरे कोर्स देखने के लिए मिलेंगे बल्कि एम पर जितने टीचर हैं सबके कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे मेन्स की टेस्ट सीरीज़ प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज़ अनअकेडमी के नोट्स और वर्चस्व नाम की जो मंथली बाय मंथली मैगजीन हम लॉन्च करते हैं वो भी आपको मिल पाएगी दोस्तों अनअकेडमी के इस सब्सक्रिप्शन के साथ एक दो बातें कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज प्ले स्टोर से अन अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एम पी पी एस सी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट कीजिए गोल सेलेक्ट करने के बाद एक साल की जो फीस है वो आठ हजार आठ सौ रुपए है दो साल की फीस बारह हजार आठ सौ रुपए है लेकिन अगर यहां पर आप मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा और दो साल का कोर्स दोस्त दो साल का कोर्स आपको ग्यारह हजार में मिलेगा याद रखिएगा इसमें ना सिर्फ आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी बल्कि एम पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे सो प्लीज़ रिमेंबर माई कोड एस जी लाइव चाहे आप अन का सब्सक्रिप्शन लें और चाहे आप किसी भी स्पेशल क्लास को देखें दोस्तों प्लीज़ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर आपके लिए आई विश कि आप मेरे रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे और साथ ही साथ स्पेशल क्लास देखने के लिए भी आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे मैं ये मान के चलूँगा कि यही मेरी मेहनत का एक छोटा सा फल होगा तो चलिए अब हम टॉपिक को शुरू चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और हम अब नोवे आयोग के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरी किस पूरी सीरीज का नाइन्थ नंबर का कमीशन हम शुरू करेंगे और नौवा आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अब हमेशा की तरह सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस आयोग की प्रकृति क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है तो दोस्तों याद रखें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का निर्माण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया है चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 के द्वारा किया गया है अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसका निर्माण संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया है तो यह एक सांविधिक निकाय होगा यह एक स्टैटुअरी बॉडी होगी तो पहली चीज यही दिमाग में रख लीजिए कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक स्टैटुअरी बॉडी है सांविधिक निकाय है क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है ठीक है अब हमें यह देखना है कि इस टॉपिक के कितने आयामों को हम कवर करेंगे कितने डायमेंशन को हम कवर करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे बैकग्राउंड पढ़ेंगे उसके बाद सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन फिर आयोग की संरचना पदावधि और सेवा शर्तें टर्म ऑफ सर्विस फिर अन्य तथ्य आयोग के कार्य फिर अन्य तथ्य और उसके बाद बच्चों के संवैधानिक अधिकार और बच्चों से जुड़े हुए कानूनों की हम बात करेंगे तो कुल आठ आयामों के अंदर हमें इस टॉपिक का अध्ययन करना है कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाए ताकि तैयारी बेहतर हो सके और हमेशा की तरह है, जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा तो आखिरी में हम एम सॉल्व करेंगे ताकि ताकि अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आयोग की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं आयोग के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि आयोग का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है तो दोस्तों यह भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई बात है जिस प्रकार से ह्यूमन राइट कमीशन संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक बात थी उसी प्रकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संबंध भी संयुक्त राष्ट्र की एक संधि से है यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी से है आप देख सकते हैं कि 20 नवंबर उन्नीस 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभी समय पर हस्ताक्षर किए गए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड जिसे यू के नाम से भी जाना जाता है यू का मतलब है यूनाइटेड नेशन सी का मतलब चाइल्ड से है आर का मतलब राइट right से है और यहां पर सी का मतलब कमीशन से है तो दोस्तों 20 नवंबर अठारह को संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर एक अभिसमय का आयोजन किया एक कन्वेंशन को बुलाया और एक घोषणा पत्र तैयार किया इस घोषणा पत्र पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए आगे चल के दो सितंबर 1990 को ये यू एन लागू कर दिया गया यू एन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो जिस घोषणा पत्र पर 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे उसी घोषणा पत्र को 2 सितंबर 1990 को लागू कर दिया जाता है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है दोस्तों दो साल के बाद मतलब 11 दिसंबर उन्नीस को भारत ने सी पर हस्ताक्षर किया इंडिया ने चाइल्ड राइट आ, कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर लिया और चूंकि चाइल्ड राइट कन्वेंशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संरक्षण अभिसमय में एक बात लिखी हुई थी कि जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा जो भी देश इस कन्वेंशन पर साइन करेगा उसे अपने यहाँ बालकों के अधिकार के लिए बच्चों के राइट्स की रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक आयोग का निर्माण करना होगा और उस आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करना होगा स्टैटुअरी स्टेटस प्रदान करना होगा तो देखो भैया इंडिया ने 1992 में इस पर साइन कर दिए और 20 जनवरी hmm. 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जिला स्तर पर जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई तो राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा 5 मार्च 2007 को की जाती है तो यही इसकी पृष्ठभूमि है ठीक है तो एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए पृष्ठभूमि को कि 1989 को यूनाइटेड नेशन ने सी आर सी चाइल्ड राइट कन्वेंशन को प्रेजेंट किया 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया फिर 2006 हजार 2006 को इंडिया ने नेशनल सॉरी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 को पारित किया इस अधिनियम के द्वारा तीन निकायों की स्थापना की गई राष्ट्र के स्तर पर नेशन के लेवल पर नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को बनाया गया राज्य के स्तर पर स्टेट के स्तर पर स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को बनाया गया और जिला के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को बनाया गया याद रखें दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन मार्च पाँच मार्च 2007 को किया गया था कब किया गया था 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बनाया गया नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को बनाया गया तो चूंकि इसका निर्माण एक अधिनियम के द्वारा हुआ है तो यह एक सांविधिक निकाय होगा यह एक स्टेटरी बॉडी होगी तो यह ना इसका बैकग्राउंड है तो यहां पे कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड राइट कमीशन चाइल्ड राइट कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए तो याद रखना 1992 में साइन किया। यूनाइटेड नेशन ने चाइल्ड राइट कन्वेंशन कब प्रेजेंट किया तो 1989 में प्रेजेंट किया था और इसी आधार पर भारत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 बनाया और भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निर्माण हुआ नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को बना दिया गया चलिए अब सामान्य परिचय पढ़ेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे तो याद रखें दोस्तों स्थापना 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई यहां पर भी ये बात याद रखेंगे दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है ठीक है अगला पॉइंट इसका आधार क्या है तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा तीन के द्वारा बाय सेक्शन थ्री ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 अब इसका निर्माण चूँकि संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया है तो यही कारण है कि यह एक सांविधिक निकाय होगा यह एक स्टैटुअरी बॉडी होगा जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है तो जिस प्रकार महिला आ, महिला आयोग जो महिला आयोग हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ा था उसकी नोडल मिनिस्ट्री भी महिला और बाल विकास मंत्रालय था विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था उसी प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोडल मंत्रालय भी महिला और बाल विकास मंत्रालय है देखिए इसका उद्देश्य है जीरो से अठारह वर्ष के बच्चों का संरक्षण ये इंपॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि भारत में अलग अलग कानूनों में बच्चों की अलग अलग आयु को बताया गया है लेकिन जो चाइल्ड कमीशन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है उसमें यह कहा गया है कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत में बनाया जाएगा जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन इंडिया में बनाया जाएगा वो जीरो से लेकर के 18 ईयर तक के सभी व्यक्तियों को आप कह सकते हैं सभी इंडिविजुअल को चाइल्ड कंसीडर करेगा उनको वो बच्चा मानेगा ठीक है दूसरी बात पहले अध्यक्ष इसके शांता सिन्हा थे जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं तो यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा है और वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानून गो है तो शांता सिन्हा कुशाल सिंह फिर स्तुति नारायण काकर और प्रियंका प्रियंक प्रियंक है ये माफ प्रियंक कानून पूरी की पूरी लिस्ट है जो अब तक अध्यक्ष बने हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आयोग की संरचना को डिस्कस करेंगे तो देखें साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 की जो धारा तीन है धारा तीन सेक्शन थ्री उसमें आयोग का गठन आयोग की संरचना और आयोग के मुख्यालय की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड हेडक्वार्टर ऑफ कमीशन को डिफाइन किया गया है धारा तीन एक कहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट धारा तीन दो संरचना और योग्यता के बारे में बात करती है आयोग में एक अध्यक्ष होगा और छह इसमें सदस्य होंगे एक चेयरमैन होगा और सिक्स मेंबर होंगे पर कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए एटलीस्ट टू विमेन होना ही चाहिए ये कंपलजन है योग्यता में अध्यक्ष जो है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो बाल कल्याण से जुड़ा हुआ हो जो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो जिसने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हों जबकि सदस्य कौन होंगे दोस्तों तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें शिक्षा बाल कल्याण बाल कष्टों का निवारण बाल समाजशास्त्र मनोविज्ञान आदि का ज्ञान है एजुकेशन चाइल्ड वेलफेयर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सफरिंग चाइल्ड सोशियोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी इन सब चीजों का जिनको ज्ञान होगा वही लोग क्या बनेंगे आयोग के सदस्य बनेंगे आगे दोस्तों धारा तीन है इसमें कहा गया है आयोग का मुख्यालय है, कमीशन हेडक्वार्टर तो ये नई दिल्ली में है न्यू दिल्ली में होगा आगे दोस्तों धारा चार में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को डिफाइन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर तो अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा एक तीन सदस्य चयन समिति के आधार पर अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा चयन समिति का अध्यक्ष सिलेक्शन कमिटी की जो मेंबर हैं, वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री होंगी और दो ऐसे सदस्य होंगे जिनको केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है परेशान मत होना अभी पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाऊंगा दो मिनट का समय दे ठीक है और फिर लिखा गया है छह ऐसे मेंबर इनको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा चलो अब सारी बातों को समझते हैं दोस्तों एक एक करके ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने दो तीन बातें पढ़ ली हमने यह पढ़ा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ठीक है हमने यह पढ़ा कि प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 बनाया गया और इस अधिनियम की धारा तीन सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर धारा चार इसमें यह बताया गया है कि आयोग का गठन कैसे होगा इसकी संरचना क्या होगी मुख्यालय क्या होगा और इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा तो एक, -एक बात को ध्यान से समझते हैं देखो सबसे पहली बात जो हमें पता पड़ी कि आयोग का गठन कौन करेगा इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा तो आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो प्रश्न आएगा दोस्तों कि आयोग का बाल संरक्षण आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ऑप्शन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जुडिशरी तो याद रखना आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ठीक है दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि इसकी संरचना क्या होगी स्ट्रक्चर क्या होगा तो संरचना में वन प्लस सिक्स याद रखना दोस्तों वन प्लस सिक्स का मतलब है कि एक इसमें अध्यक्ष शामिल होगा एक इसमें चेयरमैन होगा और छह सदस्य शामिल होंगे सिक्स मेंबर होंगे अब इसमें भी याद रखें कि छह सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी दो इसमें विमिन होंगी ठीक है तो कितनी हो गए सात हो गए वन प्लस सिक्स के रूप में अब यहां पर अगला पॉइंट आता है कि सर नियुक्ति कैसे की जाएगी इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अध्यक्ष की नियुक्ति अलग प्रकार से की जा रही है और सदस्यों की नियुक्ति अलग प्रकार से की जा रही है चेयरमैन को एक डिफरेंट प्रोसीजर से अपॉइंट किया जाएगा और जो मेंबर हैं इनको एक डिफरेंट प्रोसीजर से अपॉइंट किया जाएगा कैसे समझो देखो जो अध्यक्ष है चेयरमैन है तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा केंद्र सरकार करेगा ये पॉइंट हमेशा याद रखना जो चेयरमैन है तो चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ये पहली चीज दिमाग में फिट कर लो कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लेकिन ये अपने मन से अपॉइंट नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक चयन समिति का निर्माण करेगी इसका निर्माण करेगी दोस्तों चयन समिति का निर्माण करेगी सिलेक्शन पैनल बनाएगी याद है ना जब हम ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी एक पैनल बनाया गया था उसी प्रकार की एक चयन समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए बनाई जाएगी उसी प्रकार की एक कमेटी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए बनाई जाएगी सर कितने लोग होंगे इस समिति में तो दोस्तों इस समिति में तीन लोग होंगे एक तो होगा इसका अध्यक्ष एक क्या होगा अध्यक्ष और दो होंगे सदस्य ठीक है एक चेयरमैन होगा और दो मेंबर होगा और अध्यक्ष जो है दोस्तों वो पदेन होता है कैसा होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है और आई रियली विश कि अब आप मुझसे एक्स ऑफिशियो का मतलब नहीं पूछेंगे एक्स ऑफिशियो का मतलब वही है कि जैसे ही कोई व्यक्ति वो पद धारण करेगा वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर पोस्ट पर आ जाएगा तो यहाँ पर याद रखें दोस्तों कि इसका अध्यक्ष हमेशा महिला और बाल विकास मंत्री होता है कौन होता है महिला बाल विकास मंत्री होता है Minister, Minister of Women and Child Development, वो हमेशा इसकी अध्यक्षता करेगा और दोस्तों जो दो सदस्य होंगे तो वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे दिमाग में याद रखना कि अब ये तीन लोग बैठ रहे हैं ठीक है अध्यक्ष कौन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ये क्या है इसकी अध्यक्ष हैं चेयरमैन है और साथ में दो सदस्य हैं जिनको केंद्र सरकार ने नामित किया है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया अब ये तीन लोग मीटिंग करेंगे तीन लोग मीटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि किसे हमें अगला अध्यक्ष बनाना है इनके सामने दस लोगों के नाम आए तो फाइनली इनने एक नाम को चुना और उसकी सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी जैसे मान लीजिए दस नाम आए एक शुभम आ गया एक अनुज आ गया एक और कोई नाम मान लेते हैं विशाखा आ गया अलग अलग नाम आ गए तो इन्हें सब पर विचार किया फिर इनने कहा कि नहीं शुभम का रिकॉर्ड अच्छा है भैया शुभम को अध्यक्ष बना देते हैं तो शुभम के नाम को पहले इन्हें चुन लिया और चुन करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया फिर केंद्र सरकार क्या करेगी शुभम को अध्यक्ष बना देगी चेयरमैन बना देगी इतनी सी बात है दोस्तों ठीक है लेकिन जो सदस्य हैं कितने सदस्य हैं जो छह सदस्य हैं सिक्स हैं इनको सीधे सीधे केंद्र सरकार नियुक्त करती, करती है तो प्रश्न अलग अलग बनेंगे दोस्तों अध्यक्ष को भी केंद्र सरकार नियुक्त कर रहा है और सदस्य को भी केंद्र सरकार नियुक्त कर रहा है चेयरमैन और मेंबर दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति एक सिलेक्शन पैनल के द्वारा की जाएगी लेकिन सदस्यों को सीधे ही चुन लिया जाएगा डायरेक्टली ही इनको इलेक्ट कर लिया जाएगा ठीक है चलो अब अगला प्रश्न आता है सर योग्यता क्या है यह भी प्रश्न आएगा योग्यता क्वालिफिकेशन तो याद रखना दोस्तों आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो चाइल्ड वेलफेयर में बहुत दिनों से काम कर रहा हो जो बाल कल्याण के लिए बहुत दिनों से कार्य कर रहा हो जैसे कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और 2014 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और जो इसके सदस्य होंगे मेंबर होंगे वो भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बच्चों के कल्याण से जुड़े हुए हों चाइल्ड के वेलफेयर से जुड़े हुए, चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकता है ठीक है इन चीज़ों से जो जुड़ा हुआ होगा उसी को आयोग का सदस्य बनाया जाएगा और एक बात और इस धारा में लिखी है कि आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में ही होगा आई विश अब आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हुई होंगी कि संरचना क्या है और इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब पद अवधि और सेवा शर्तों की बात करते हैं टेन्योर और सर्विस कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो देखें दोस्तों अध्यक्ष की पद अवधि तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष होती है जबकि सदस्यों की पद अवधि तीन वर्ष और साठ वर्ष होती है देखो ये क्या है ये चीजें याद रखने की है अलग अलग है अध्यक्ष की अलग है और सदस्य की अलग है चेयरमैन का टेन्योर अलग है और मेंबर का टेन्योर अलग है तो चेयरमैन जो है वो तीन वर्ष और पैंसठ वर्ष के लिए है थ्री ईयर और सिक्सटी फाइव ईयर के लिए है जबकि मेंबर थ्री ईयर और सिक्सटी ईयर के लिए है और मैक्सिमम दो बार अधिकतम दो बार मैक्सिमम ट्वाइस ये अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं तीसरी बार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा या तीसरी बार किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जाएगा ये बात यहां पर लिखी गई है अगली चीज इसी में बताया गया है कि ये अपना त्यागपत्र ये अपना रेजिग्नेशन किसी भी समय केंद्र सरकार को दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं तो दोस्तों यहां पर वही फिलॉसफी या वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जो भी अपॉइंट करता है रेजिग्नेशन भी उसी को दिया जाता है जो नियुक्ति करता है उसी को रिजाइन भी किया जाता है तो चूंकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी चेयरमैन और मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था तो ये अपना रेजिग्नेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देंगे आगे बढ़े दोस्तों तो वेतन भत्तों की बात की गई है तो जितनी भी सैलरी है वो केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी को डिसाइड करेगा और नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का आलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा नो अनवायल चेंज आफ्टर दी अपॉइंटमेंट तो ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक व्यक्ति की जब नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद आप उसकी सैलरी या किसी दूसरे प्रकार के बोनस को कम नहीं कर सकते बढ़ा सकते हैं तो जो अलाभकारी शब्द होते हैं ना उसका मतलब ही होता है कि नेगेटिव चेंज नहीं करेंगे उसको कम नहीं करेंगे यह पॉइंट याद रखना है ठीक है आगे बढ़े तो पद से कैसे हटाया जाएगा रिमूव कैसे किया जाएगा तो याद रखना चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो दोनों को ही केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जाता है हटाने का आधार क्या है दोस्तों साबित कदाचार या असमर्थता प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी हालांकि कुछ दूसरे आधार भी हैं जैसे दोस्तों वो दिवालिया हो जाए पद अवधि के दौरान दूसरे पद पर बैठ जाए लगा लगातार तीन बैठकों में वो उपस्थित अनुपस्थित रहे कंटिन्यू तीन जो सेशन होंगे उसमें वो क्या रहे एबसेंट रहे तो ऐसे में भी क्या कर सकती है केंद्र सरकार हटा सकती है तो यहां से ना बेसिक प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाएगा केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हटाने के आधार क्या होंगे तो साबित कदाचार और असमर्थता ये हटाने का आधार होगा अन्य सदस्यों को कौन हटाएगा तो अदर मेंबर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं अगला पॉइंट ये लिखा गया है कि अगर ये पोस्ट खाली होती है तो नब्बे दिनों के भीतर इस पोस्ट को भरा जाएगा ठीक है नब्बे दिनों के भीतर क्या किया जाएगा इस पोस्ट को भरा जाएगा ओके तो अब तक सारी बातें क्लियर हो गई ना दिमाग में एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं तो पहला पॉइंट था गठन गठन कौन कर रहा है दोस्तों केंद्र सरकार ओके पहला पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा पूछेगा संरचना स्ट्रक्चर तो याद रखना स्ट्रक्चर वन प्लस सिक्स तीसरा है नियुक्ति अपॉइंटमेंट तो नियुक्ति में क्या याद रखेंगे केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी चौथा प्रश्न पूछेगा त्यागपत्र किसे देंगे रिजाइन किसे करेंगे तो अगेन आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार को पांचवा प्रश्न आएगा पदावधि क्या है टेन्योर क्या है तो देखो भैया चेयरमैन का टेन्योर है तीन साल और पैंसठ साल का जबकि मेंबर का टेन्योर है तीन साल और साठ साल का अधिकतम दो बार ही ये अपने पद पर आ सकते हैं मैक्सिमम ट्वाइज ये अपनी पोस्ट पर आ सकते हैं इनको कौन हटाएगा तो याद रखें दोनों को ही केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जाएगा तो पूरी चीजों में एक बात तो क्लियर है कि ना हम राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं ना ही हम संसद का जिक्र कर रहे हैं ये सारे के सारे काम केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है टेन्योर क्योंकि दोनों का टेन्योर डिफरेंस है एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि जब चेयरमैन को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए एक थ्री मेंबर का सिलेक्शन पैनल बनाया जा रहा है तीन सदस्यों की चयन समिति को बनाया जा रहा है जिसको अध्यक्ष जिसको अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जबकि सदस्यों को सीधे केंद्र सरकार नियुक्त कर देती है मेंबर को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है प्लीज दोस्तों ये बातें याद रखने की हैं यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आएंगे और अधिकतम कितने दिनों तक ये पद खाली रह सकता है तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए ये जो पोस्ट है वो ब्लैंक रह सकती है या वैकेंट रह सकती है है अब आसान बातें बातें हैं मुश्किल बाते नहीं है, तो आइए जल्दी जल्दी दूसरी बातों को देखते हैं सबसे पहले आयोग के कार्य फंक्शंस ऑफ कमीशन की बात कर लें तो यार एक बार मैं पढ़ देता हूं बाकी वही कार्य होते हैं जैसे कि प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना जितने भी चाइल्ड लॉ बनाए गए हैं उनको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ दिए गए हैं उन सबके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाना प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना दूसरी बात कही गई है अनुसंधान करना रिसर्च करना कि हम बच्चों की हालत को बेहतर कैसे बना सकते हैं बच्चों से जुड़े हुए कानूनों को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं तो इन सब बातों में शोध करना रिसर्च करना अगला टॉपिक वही है जागरूकता बनाना फिर सुझाव देना अलग अलग बातों का सुझाव देना अगला क्या जाएगा कि बच्चों को आतंकवाद हिंसा घरेलू हिंसा वेश्यावृत्ति आदि से बचाना अंतर्राष्ट्रीय संधों की समीक्षा करना 6 से चौदह वर्ष के बच्चों के अधिकारों को लागू करना तो यही बेसिक काम है दोस्तों ऐसा भी कोई स्पेशल काम नहीं है जो हमें अलग से याद रखना पड़े तो सारे बेसिक काम हैं जो आयोग के द्वारा किए जाते हैं कमीशन के द्वारा जिनको फंक्शन किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें अदर फैक्ट को डिस्कस कर लें तो देखिए दोस्तों धारा सोलह में आयोग के प्रतिवेदन की बात की गई है रिपोर्ट की बात की गई तो हमेशा हम पढ़ते आए हैं ना कि अलग अलग कमीशन हर साल अपनी एक रिपोर्ट देते हैं एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो यहां कहा गया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा और अगर वो किसी राज्य सरकार से जुड़ी हुई है तो फिर वह संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा कंसर्ड स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा ठीक है केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखेगी पार्लियामेंट के सामने रखेगी जबकि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखेगी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगी तो यहां पर भी सिंपल प्रश्न आएगा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे देता है ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति संसद न्यायपालिका केंद्र सरकार प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंफ्यूज मत होना दोस्त ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेगी संसद के सामने प्रस्तुत करेगी दूसरे फैक्टों में आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं सिविल कोर्ट की पावर है तो जैसे हमने देखा ना कि हर एक आयोग को लगभग हर एक कमीशन को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है और सिविल न्यायालय का मतलब वही है दोस्तों कि यह किसी को समन दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट uh, को मंगा सकते हैं ओके okay, पर किसी को सजा नहीं दे सकते पनिशमेंट नहीं दे सकते अगली बात आयोग का जो सचिव होगा ना वो भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव स्तर का व्यक्ति होगा ठीक है तो जो भी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक रैंक का होगा ठीक है या तो वो संयुक्त सचिव के स्तर का होगा या फिर वह अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा क्या ये रे बारीक बारीक बातें छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दिया करो ताकि यहां से प्रश्न आए तो हमसे बन जाए अगला दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको अनुदान दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरे अधिनियम में पूरे के पूरे एक्ट में राष्ट्रपति का जिक्र नहीं हुआ है ठीक है प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं हुआ है तो यहां से भी हमें कुछ बातें याद हो जाएंगी कि भैया चूंकि राष्ट्रपति का जिक्र ही नहीं है तो ना उसको रिपोर्ट सौंपेगा ना ही वो उसको किसी भी प्रकार का अनुदान देगा सारी बातें बड़ी बेसिक तरीके से क्लियर होने वाली हैं ठीक है थीके? अब सातवां और आठवां पॉइंट और बचा है सेवेंथ नंबर में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये पॉलिटी के रूप में भी आ सकती है और हो सकता है आयोग के रूप में आ जाए इंफॉर्मेशन है कि बच्चों के संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं Right of कि संविधान में वो कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चों के विकास को सुनिश्चित करती हैं, जो को आगे बढ़ाती हैं आइए एक एक करके इन अनुच्छेदों को देखते हैं देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया छियासीवे संविधान संशोधन एक्सथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा और इस अनुच्छेद को कहा जाता है अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21 ए और अनुच्छेद 21 का में काके द्वारा राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है कहा गया है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ठीक है तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा अब बच्चों का यह मौलिक अधिकार है जितने भी बच्चे भारत में हैं यह उनका फंडामेंटल राइट बन चुका है यह बहुत जरूरी बात है इसे छियासीवे संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था आगे बढ़ते हैं अगला है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24, इसमें कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा ऐसा कोई भी बच्चा जो चौदह साल से कम का है 14 ईयर से कम का है उसको आप क्या नहीं करेंगे किसी भी प्रकार के वर्क में नहीं लगाएंगे तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि यहां पर बाल मजदूरी से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है यहां पर चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है ठीक है और याद रखें दोस्तों ये दोनों ही मौलिक अधिकारों में आते हैं ये दोनों ही फंडामेंटल राइट में आते हैं सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर इस इन प्रावधानों का उल्लंघन होता है अगर किसी भी तरीके से इन प्रोविजन को वायलेट किया जाता है तो एक व्यक्ति कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकता है और इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है आगे बढ़े इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद उनतालीस ई आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ई इसमें कहा गया है कि राज्य बच्चों के विकास को सुनिश्चित करेगा लेकिन याद रखें थर्टी नाइन और फोर्टी फाइव ये दोनों ही डीपीएसपी में आते हैं ये दोनों ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि राज्य से कहा गया है राज्य चाहे तो ऐसा करे राज्य ना चाहे तो वो ऐसा ना करे यह गैर न्यायोचित हैं ये आ, कोर्ट में नहीं सकते ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं मतलब अगर इनका पालन नहीं किया गया अगर सरकार ने यह बात नहीं मानी तो इस चीज को लेकर के हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते जुडिशरी के पास नहीं जा सकते तो ये नॉन जस्टिशियबल हैं, गैर न्यायोचित हैं ठीक है यह देखें दोस्तों कि राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा वही आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य जीरो से छह वर्ष के बच्चों का विकास भी सुनिश्चित करेगा स्टेट विल इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ जीरो चिल्ड्रन तो ये क्यों कहा गया सर पहले तो छह से चौदह था बिल्कुल लेकिन याद रखें दोस्तों एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट के द्वारा छह से चौदह वर्ष के बच्चों वाला भाग फंडामेंटल राइट right में डाल दिया तो अब स्टेट से कह रहा है कि भैया स्टेट तुम जीरो से छह साल के बच्चों का ख्याल रखना जीरो से सिक्स ईयर के जितने बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखना ठीक है और फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है मौलिक कर्तव्य भी, भी है और मौलिक कर्तव्य में माता पिता से कहा गया है कि वो छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे एजुकेशन के लिए भी कितनी अच्छी बात है ना कि जब हमारे पास रिसोर्स नहीं थे जब संसाधन नहीं थे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को डी में रख दिया और राज्य से कहा कि देखो राज्य जब तुम्हारे पास संसाधन आ जाएंगे तो तुम छह से चौदह साल के बच्चों को शिक्षा दे देना राज्य ने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे फिर दोस्तों 2000 के बाद राज्य के पास इतने संसाधन आ गए स्टेट के पास इतने रिसोर्स आ गए कि वो छह से चौदह साल के बच्चों को पढ़ा सकता था तो राज्य ने क्या किया छियासीवा संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल ए को इंसर्ट किया और उसमें कह दिया कि अब ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो सिक्स से लेकर के फोर्टीन ईयर तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। फिर कहा गया कि क्या कि डीपीएसपी में अब राज्य करेगा तो डीपीएसपी में भी चेंज कर दिया कहा कि राज्य से रुको अब तुम 6 से 14 को तो शिक्षा दे रहे हो 6 से 14 तक को तो एजुकेशन दे रहे हो तो अब तुम एक काम करना कि जब तुम कैपेबल हो जाओ तो 0 से सिक्स ईयर तक के बच्चों का भी तुम ख्याल रखना जीरो से लेकर के छह साल तक के बच्चों का भी ख्याल रखना हम दुआ यही करेंगे कि हमारा भारत और विकसित हो और राज्य छ जीरो से छ वर्ष तक के बच्चों का भी ख्याल रखे लेकिन कहा गया कि यार राज्य से बोल दिया लेकिन भैया अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ाने के लिए तो फंडामेंटल ड्यूटी भी लगा दी मौलिक कर्तव्य भी, भी लगा दिया कि मां बाप छह से चौदह साल के बच्चों को या अभिभावक छ से चौदह साल के बच्चों को कहां भेजेंगे स्कूल भी कितना कंप्लीट है ना ऐसा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ये ठीक है तो ये संवैधानिक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये भी कह दिया कि ऐसा ना हो कि तुम काम कराने लगो बच्चे से तो आर्टिकल ट्वेंटी फोर भी डाल दिया कि काम मत कराना चौदह साल से कम का है काम मत कराना अदरवाइज फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा तो सब कुछ जोड़ दिया दोस्तों और एक कंप्लीट पैकेज आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि नहीं अच्छा केक है उसके ऊपर अच्छा आपने क्रीम लगा दी उसके ऊपर गार्डन वार्डन क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं वो कर दिया अच्छा लग रहा है खूबसूरत लग रहा है ठीक है हैप्पी बर्थडे को वो लगा दो चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद अगला है बच्चों से जुड़े हुए कानून ये तो संवैधानिक प्रावधान थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे अब बच्चों के विकास से कुछ कानून भी जुड़े हैं कुछ लॉ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं जैसे बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम child labor prohibition act 1986 दूसरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 child marriage prohibition act 2006 बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 child protection commission act 2005 शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह पूछा जाता है कई बार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो 2010 से लागू हुआ था किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम द जुविनायल जस्टिस केयर ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 2000 और इसी अधिनियम के लिए अभी नियम भी बनाए गए थे तो इनको जुविनायल जस्टिस रूल कहा गया ये रूल हैं दोस्तों ये क्या है रूल हैं जो 2006 में बनाए गए फिर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉस्को जो बहुत चर्चा में रहता है और एग्जाम में क्या करता है वो पॉस्को का फुल फॉर्म पूछता है तो पॉस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस याद रखना बहुत से एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा गया है तो पॉस्को का फुल फॉर्म होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल फॉर्म है दोस्तों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये 2012 में बनाया गया था जो लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा करता है और अभी इसमें 2019 में एक संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार के पोर्नोग्राफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है तो 20 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है 20 ईयर या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है तो दोस्तों हमारे यहाँ बच्चों को लेकर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ कार्ड भी दिए गए हैं फिर पार्लियामेंट ने भी बहुत सारे एक्ट बनाए हैं इसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली बच्चों की तस्करी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है आई विश आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे अधिकारी बनके इस चीज़ को रोकने के लिए जरूर कुछ करेंगे जैसे कि अभी जो हमारी मिनिस्ट्री है इसने खोया पाया पोर्टल शुरू किया तो खोया पाया पोर्टल के द्वारा जो बच्चे मिसिंग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है तो उसका नाम ही है खोया पाया पोर्टल ये महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम के साथ लॉन्च किया था ठीक है तो इस तरह से दोस्तों हमने इस आयोग को भी पूरा कर लिया इस कमीशन को भी पूरा कर लिया चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को लगाते हैं ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं और टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हैं आइए आगे बढ़े तो यहां पर पहला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी हमने यह पढ़ा हुआ है कि 5 मार्च 2007 को 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई और इसकी स्थापना चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 की धारा तीन के द्वारा की गई सेक्शन थ्री के द्वारा की गई अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज सांविधिक संवैधानिक बहुसदस्यीय ए और सी स्टैटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टी मेंबर ए एंड सी तो देखो भैया सांविधिक तो है क्यों है क्योंकि इसका फॉर्मेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन एक्ट 2005 के द्वारा किया गया है क्या यह संवैधानिक है नहीं है यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है लेकिन यह बहुसदस्यीय है लेकिन यह मल्टी मेंबर है क्योंकि इसमें वन प्लस सिक्स का स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो इसका सही जवाब होगा डी बोथ ए एंड सी अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए आसान प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के तहत आता है बहुत बहुत आसान प्रश्न ठीक है डेरी मिल्क वाला प्रश्न है तो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री तो भैया बिल्कुल बता दो बिना ऑप्शन देखे बता दो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है तो चाहे वो महिला विभाग हो या महिला आयोग हो या फिर बाल आयोग हो दोनों ही महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आते हैं अगला प्रश्न यह रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बहुत प्यारा प्रश्न ब्यूटीफुल प्रश्न बालक को परिभाषित किया गया है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ये बताओ भैया तो शुरू में बताया था कि याद रखना दोस्तों जीरो से अठारह वर्ष का जो भी इंडिविजुअल होगा जो भी व्यक्ति होगा उसे एक्ट 2005 के द्वारा बच्चा माना जाएगा चाइल्ड माना जाएगा ठीक है ये बहुत जरूरी है कि जीरो से अठारह साल का जो भी व्यक्ति होगा उसे बच्चा ही माना जाएगा ठीक है इसके आंसर नीचे आते जा रहे हैं याद रखना अगला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है अब देखो यहां ना यहां क्या करोगे एग्जाम में आप हावड़ दू हावड़ मचाओगे बिल्कुल ठीक है याद रखना यहां उसने अध्यक्ष पूछा ठीक है अब यहीं पर सदस्य पूछ लेगा तो आंसर बदल जाएगा तो इन चीजों का ना प्रश्न पढ़ते समय हाईलाइट कर लिया करो ताकि दिमाग की बत्ती जलती रहे कि अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है यहां इसका आंसर कर रहे हैं तो देखो दोस्तों अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो धारा सेक्शन के हिसाब से जो चेयरमैन है तो अध्यक्ष का कार्यकाल पैंसठ वर्ष का होता है जबकि मेंबर का कार्यकाल तीन वर्ष और साठ वर्ष का होता है कहा गया आंसर होगा ए तीन वर्ष ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे शुरू में पढ़ा था ठीक है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पित्रोदा शांता सिन्हा कैलाश सत्यार्थी टी सेशन नहीं दोस्तों इसका आंसर होगा शांता सिन्हा टी सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था 2014 में आ, मलाला के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सेम पित्रोदा ने भारत में बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे चलो आगे बढ़ते हैं ओके बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है वॉट इज टर्म ऑफ मेंबर ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन मेंबर पूछा तो फिर बता दो अभी बताया था तीन वर्ष या साठ वर्ष धारा चार सेक्शन फोर में ये लिखा गया है ठीक है चलो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की यार एक मिनट चेक करें सेक्शन फोर में है कि नहीं है क्या हम भूल रहे सेक्शन फाइव है एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है है सेक्शन लग रहा था मुझे ठीक है ठीक कर लेना उसको सेक्शन फाइव में है दोस्तों ओके हो जाता है कई बार एक दो गलती तो सेक्शन फाइव में दिया गया है कार्यकाल हो गया ये वाला प्रश्न भी हो गया ठीक चलो तो वो भैया सेक्शन फाइव में दिया गया है कार्यकाल आगे बढ़ते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है तो इसका जवाब होगा केंद्र सरकार याद है ना हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा और दो चीजें पढ़ी थी कि जो चेयरमैन होता है यह दिया गया है धाराचार में ठीक है यह सेक्शन फोर में तो जो चेयरमैन होता है उसको एक सिलेक्शन पैनल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जबकि जो सिक्स मेंबर हैं इनको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीधे केंद्र सरकार इनको नियुक्त करेगी अगले प्रश्न पर बचपन बचाओ एनजीओ के संस्थापक कौन है फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ एन तो अभी बताया था कि कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार और जल्दी बताइए कैलाश सत्यार्थी कहां से जुड़ी हुई कमेंट बॉक्स में कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया तो आंसर होगा दो हजार मलाला यूसुफ जई के साथ इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये आयोग भी खत्म होता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी हमने खत्म कर लिया आई विश आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा ये पार्ट वन हमारे वीडियो का था और अब हम पार्ट टू इसका लेकर के आएंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें जो अन अकेडमी अभियान के नाम से है दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल में आपको हमारे पी मिल जाएंगे क्लास की लिंक मिल जाएगी इसके अलावा ऐट द रेट शुभम गुप्ता पी वाले चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी और सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों ये वो सारे विषय हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर एम पी पी एस सी मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए ये वो विषय हैं जो मैंने ख़त्म करवा दिए हैं और 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले इंडियन जोग्राफी ऐसे राइटिंग इंडियन इकोनॉमी केस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी और इन्वायरमेंट इन विषयों को मैं ख़त्म करा दूँगा 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हों और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरे कोड का इस्तेमाल जरूर करें जो एस जी लाइव है बाकी प्रोसेस आपको पता ही है कि अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें वहाँ पर एम पी पी एस सी एंड व्यापन के गोल को सिलेक्ट करें अगर आप कोई स्पेशल क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सो थैंक यू थैंक यू सो मच आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच